स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कलई खुली तो न्यूजीलैंड की टीम ने मैच पर पकड़ बना ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कल जब पहले दिन भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 259 पर रोक दिया था और खेल समाप्ति तक एक विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए थे, तो दूसरे दिन के लिए मेरे जैसे खेल प्रशंसकों ने, जिन्हें की भारतीय क्रिकेट से बहुत प्यार है, बहुत सारी उम्मीदें पाल ली, सपने भी देखने लगे। लेकिन वो सारे सपने टूट गए और इसमें न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का योगदान रहा या इंडियन बैटर्स का स्पिनर्स को सही ढंग से नहीं खेल पाना, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो दूसरे दिन का खेल हमने देखा, उसके बाद कुछ सवाल मन में जरूर उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भारत से बेहतर हैं या न्यूजीलैंड के बैटर्स इंडियन बैटर्स से बेहतर तरीके से स्पिन गेंदबाजों को खेल रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन भारतीय टीम टेस्ट मैच में बैकफुट पर चली गई है। दूसरे टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम जो है वो सिर्फ 156 रनों पर ढेर हो गई और 103 रन से पहली पारी के आधार पर पिछड़ गई। ऐसा नहीं है कि इंडियन बैटर्स को स्टार्ट नहीं मिला, स्टार्ट मिला। यशस्वी जायसवाल ने 30 रन बनाए, शुभमन गिल ने 30 रन बनाए, जडेजा ने 38 रन बनाए, लेकिन इस स्टार्ट को जो कन्वर्ट करने की जरूरत थी, वो कन्वर्ट कर पाने में भारतीय बल्लेबाज असफल रहे। और जब एक भी 50 ना आया आपकी टीम के किसी भी बल्लेबाज से, तो टीम तो संकट में रहेगी ही। और यही हुआ, भारतीय टीम 156 रनों पर ढेर हुई। 103 रनों की बढ़त के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए आ रही थी, तो भारतीय खेल प्रशंसकों को यह उम्मीद थी कि जब इंडियन बैटर्स को स्पिनर्स को खेलने में इतनी परेशानी हुई है, तो न्यूजीलैंड की टीम तो शायद 100 रन ना बना पाए। लेकिन ये जो भ्रांति थी मन में, वो तुरंत ही दूर हो गई जब टॉम लैथम, जो कि इस पूरी सीरीज में फॉर्म से दूर थे, उन्होंने समय पर फॉर्म में वापसी की। आखिर कप्तान है, जिम्मेदारी तो लेनी थी और उन्होंने जिम्मेदारी ली। हालांकि रविंद्र इस मैच की दूसरी पारी में बहुत कुछ नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए। और जब खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए थे और उनकी बढ़त 301 रनों की हो गई थी। भारतीय टीम ने जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए तो ये स्कोर ही काफी दिखता है। लेकिन चूंकि अभी टेस्ट मैच में 3 दिन का खेल बचा हुआ है, आसमान साफ है, मतलब बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम अपनी पारी को जितनी देर तक आगे बढ़ा सकती है बढ़ाएगी, मतलब डिक्लेरेशन की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो अब देखना है कि न्यूजीलैंड की टीम कितने का टारगेट भारतीय टीम के सामने रखती है और ये भी देखना है कि इंडियन बैटर्स स्पिनर्स के सामने दूसरी पारी में कैसी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल तो दूसरा टेस्ट मैच में भारतीय टीम फंसी हुई दिख रही है। पहला टेस्ट मैच ऑलरेडी न्यूजीलैंड की टीम जीत चुकी है, सीरीज में 1-0 से आगे है, और अगर उसने ये टेस्ट मैच भी जीत लिया तो सीरीज न्यूजीलैंड के नाम हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।